Amazon Affiliate का एक ऐसा ब्लॉग जो आपके लिए न सिर्फ एड रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बल्कि मिनिमम ट्रैफिक पे मैक्सिमम अर्निंग भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप Amazon Associate के प्रोग्राम में एनरोल करके उससे ब्लॉगिंग से अर्निंग करें तो ये आज एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि आज हम चालू करने वाला है Amazon Affiliate की कंप्लीट सीरीज जो हमारी ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स की सीरीज का पार्ट है, जो आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी आसान कर देगी। और ये उसका पहला वीडियो जहां पे हम डिस्कस करने वाला है बेस्ट निशेस जो US और UK के अराउंड है, सिर्फ और सिर्फ Amazon Affiliate को टारगेट करते हुए। इन सारी चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको एक काम करना है और वो है कंटेंट पसंद आने पे वीडियो को लाइक, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मोर देन 40% पीपल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपके लिए एक और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो आसान भाषा में, ताकि आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी आसान हो सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आइडियली इससे पहले हम 15 डिफरेंट निशेज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो थी कॉम्बिनेशन ऑफ एड रेवेन्यू प्लस एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जहां पर आपको सिर्फ USA और UK को टारगेट करना है। इसी चीज को लेकर के हम ये कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, तो आप ये 15 निशेज वाला वीडियो डेफिनेटली देखिएगा, और ये सारे वीडियोस हमारे उसी ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स का पार्ट है। तो इन सब के एक्सेस अगर मिडल में आप जंप कर रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस हैं जो आपकी ब्लॉगिंग के लिए मैंडेटरी हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति श्रीवास फ्रॉम blogging.supremecampus.com, और इस चैनल पर ऐसे ही हम प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वो 9 निशेज जो आपके लिए बहुत ही आसान कर देगी ब्लॉगिंग, अगर आप Amazon Affiliate के प्रोग्राम से इसको मोनेटाइज करते हैं। वो लोग जिनको नहीं पता Amazon Affiliate का प्रोग्राम क्या होता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब भी कोई बंदा आपके ब्लॉग से Amazon पे जाता है और वहां पर जाने के बाद किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करता है, आपको कमीशन मिलेगा। अभी Amazon Affiliate प्रोग्राम में एनरोल कैसे करें, ये वेबसाइट कैसे सेटअप की जाती है, उसके लिए कॉन्टेंट कैसे लिखा जाता है, उसके लिए रिसर्च कीवर्ड का कैसे किया जाता है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर नॉट ओनली आप सब्सक्राइब करें बल्कि बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक्स आने पर इसका part 2, part 3, part 4 और part 5, जितना आपका रिस्पॉन्स होगा उतने इस पे वीडियोज आएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है क्या आप चाहते हैं, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं। तो ये है Amazon Affiliate। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये मेरा ब्लॉग है कॉल्ड soundproofidea.com, ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा अगर आप Amazon Affiliate की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर 7 बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट के साथ में मिडिल में आपको प्रोडक्ट भी दिखते हैं, तो यहाँ से जब भी यूजर Amazon पे जाता है आई डू मेक अ मनी, ये है Amazon का Affiliate प्रोग्राम। लेकिन Amazon के प्रोग्राम में काम करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग वो ये है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कुछ ऐसी निशेज जो टोटली अराउंड है Amazon Affiliate के, या फिर जहां पर यूजर का फोकस वहां पर आपके कंटेंट को रीड करने के बाद Amazon की साइट पे आने का रहता है। बात करते हैं वो निशेज क्या है, मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल के साथ में जाऊंगा कौन सी नीश है, किसमें क्या करना है और कितना उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। उस कैटेगरी में गाइस सबसे पहले नीश आती है बेबी एंड टॉडलर टॉयज। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीजें, मान लीजिए कि अगर आप amazon.com को टारगेट करेंगे क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा इनकम होगा, आप यहां पर टाइप कर सकते हैं बेस्ट। जैसा बेस्ट टाइप करेंगे तो बेस्ट कैटेगरी के जो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको यहां पे सजेशन में दिखाई देंगे। लेकिन अभी मैंने यहां पर सिंपली सर्च किया बेबी, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आके आप देखेंगे शो ऑल कैटेगरी में, अगर यहां पे बेबी में जाएंगे आप तो यहां पर बेबी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दिखेगी, जहां पे कैटेगरी है बेबी एंड टॉडलर टॉयज। यू वॉन्ट बिलीव, ये इतना बड़ा मार्केट है कि इस मार्केट के अंदर जब आप प्रोडक्ट का नॉट ओनली रिव्यू बल्कि आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे Amazon के प्रोडक्ट को आप आपके कॉन्टेंट में मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब मैं यहां पर एक वेबसाइट को देखता हूं, अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूं जो कि एक डमी वेबसाइट है, इसका नाम है mybtoys.com, और इस साइट को आप गो थ्रू करके देखिए यहां पर किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है जहां पर बेबी के गेम्स को एक्सप्लेन किया गया है, और इस पर्टिकुलर गेम्स के इनसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया गया है। बस यही चीजें आपको करनी है। ये लोग हो सकता है खुद का स्टोर रखे, या फिर आपको यहां पर इनके सेल्फ स्टोर की बजाय आपके Amazon के प्रोडक्ट को लिंक करना है। तो ये एक जबरदस्त कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में अगर कमीशन की बात करें तो गाइस कमीशन वेरी करता है आपकी कौन सी कंट्री से आ रहा है, कौन से एफिलिएट प्रोग्राम को आपने लिंक करके रखा है,
बट इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा। लेकिन अगर आप यहां पर आकर के देखेंगे तो यहां पर ये वाली कैटेगरी है जहां पर टॉयज की कैटेगरी फॉल होती है, जहां पर अप टू 3% का आपको कमीशन मिल सकता है। तो मैं फिर से बोलूंगा, एक वन ऑफ द बेस्ट और गुड कैटेगरी है Amazon Affiliate ब्लॉग में, वो है बेबी एंड टॉडलर टॉयज के बारे में, जहां पर आप बेबी से रिलेटेड गेम्स हेल्थ पे डिस्कस ना करें, क्योंकि वो YMYL कैटेगरी का ब्लॉग हो जाता है। आपको यहां पर बेबी के अराउंड जो गेम्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी के अराउंड आप उनको कोई भी टॉयज सजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू हैव टू क्रिएट अ ब्लॉग, और आपको जबरदस्त ट्रैफिक आएगा। तो दैट इज नंबर वन। लेट्स गो टू द नंबर टू, और यह है लॉन एंड गार्डन। यू वॉन्ट बिलीव कि यूएसए और यूके के अंदर गार्डनिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि उनका बैकयार्ड हो, यहां पर फ्रंट में लॉन हो, बैक साइड में लॉन हो, वो उसको गार्डनिंग करें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर न सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट है, इस कैटेगरी में बहुत सारे टूल्स और टॉपिक्स होते हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लॉन मूवर होते हैं जो आपके गार्डन को क्लीन करते हैं, लॉन के टूल किट्स होते हैं। अगर मैं यहां पे आके सिंपली टाइप करूं लॉन टूल किट, राइट, तो आपको यहां पर बहुत सारे किट दिखाई देंगे। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये है लॉन लेवलिंग रेक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं छोटे मोटे जितने भी चीजें होती है जिसके हेल्प से गार्डनिंग को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। यही नहीं, इसमें बहुत ही हाई रेंज के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको एक एग्जांपल ब्लॉग बताऊंगा। जैसे अभी मैं गार्डनिंग टिप्स पे अगर ये एक ब्लॉग गार्डन रेंट पे चला जाता हूं, यू विल सी हियर कि यहां पर ऐसे रेंटेड टाइप के बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पर डिस्कस की गई है। साथ ही साथ जो भी उससे रिलेटेड प्लांटिंग के टॉपिक्स है, सारी चीजें इस ब्लॉग के अंदर डिस्क्राइब किए। अगर मैं यहां पर आकर के देखूं इसका कितना मंथली ट्रैफिक आता है, तो आप यहां पे आके देख सकते हैं वो क्लोजली 50,000 से 60,000 विजिटर्स, और ये सारे के सारे यूएस एंड यूके से हैं। सिमिलरली आप अलग अलग एरियाज को गो थ्रू कर सकते हैं। यू विल सी हियर कि यहां पर लॉट ऑफ स्कोप है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिखाया है। तो यह है गाइस गार्डनिंग टिप्स के बारे में। सिमिलरली लॉन मूवर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आप एग्जैक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे लॉन को मेंटेन किया जाए, लॉन से रिलेटेड जो एसेसरीज एंड टूल किट्स है उसको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर मैं यहाँ पर लॉन मूवर की बात करूं तो यहां पर आके देख सकते हैं ये बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जिसकी मिनिमम कॉस्टिंग होती है $100। और अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करूं तो यहां पर आके देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए बेस्ट लॉन मूवर, और यहां पर देख सकते हो फॉर स्ट्राइप्स विथ रोलर, फॉर लार्ज गार्डन, फॉर अनइवन ग्राउंड, और यहां पर अगर आप टाइप करेंगे अंडर 100 pound, 200 pound, 150 pound, सो लॉट ऑफ टॉपिक्स, लॉट ऑफ आइडियाज इसके अराउंड आपको मिल जाते हैं जहां से आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो अनदर नीश गाइस वो है लॉन एंड गार्डनिंग। अगर अभी तक आप चैनल पर बने रही है और तो लाइक जरूर कर दे, अगर नए हैं तो अभी तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा वैल्यू ऑफ कंटेंट क्या है, तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कर दे। नंबर थ्री गाइज वो है पेट के प्रोडक्ट्स, और इसको तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। जैसे इंडिया में बच्चों को ट्रीट किया जाता है, वैसे यहाँ पे पेट को ट्रीट किया जाता है, तो पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उस पर बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आपका पूरा ब्लॉग फूड के अराउंड हो, या फिर पूरा ब्लॉग पेट के टॉयज के अराउंड हो, या फिर पूरा ब्लॉग पेट के क्लोथ्स के अराउंड हो, बट जो मुझे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैटेगरी लग सकती है वो है गाइस फूड। लेकिन हो सकता है ये YMYL की कैटेगरी में आए। यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, ये एक साइड है कॉल डॉग फूड एडवाइजर, बट इसमें आप तभी ब्लॉग और कंटेंट लिखे जब आपको रियली में डॉग में इंटरेस्ट है, अदरवाइज आप किसी के हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली YMYL कैटेगरी का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग फूड एडवाइजर, ये जो ब्लॉग है, अगर मैं इस वाले ब्लॉग को स्क्रॉल करके देखो आपको बहुत सारा कॉन्टेंट दिखेगा। वही नहीं, यहाँ पर आपको रिव्यूज भी दिखेंगे फूड से रिलेटेड अलग अलग चीजें, जैसे डॉग फूड कैन में जो भी डॉग का फूड होता है उसके रिव्यूज आप देख सकते हैं, और हो सकता है कि ये आपको या तो अमेजोन पे भेजे या फिर किसी अदर मार्केट प्लेस पे। तो कुछ इस तरीके से आप डॉग फूड को टारगेट करके भी आपका ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको अच्छी खासी अर्निंग दे सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला गाइस जो पार्ट है, आप टॉयज पे भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर जाकर के डॉग टॉयज के बारे में डालूं या फिर पेट टॉयज के बारे में डालूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अमेजोन पे आना है। ओके, पेट टॉयज आप टाइप करें और अमेजोन के खुद की कैटेगरी में आप जाके देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों आइडियाज आपको मिलेंगे टॉयज को लेकर के, या फिर आप सिंपली डॉग टॉयज को यहाँ पे टाइप करें। ओके, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ आइडियाज कि भाई क्या क्या टॉयज उसके होते हैं, उसके अराउंड आप सिंपली यहाँ पे ऑल में जाके कैटेगरी में जाके बहुत सारी कैटेगरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, देन रिवर्स सर्च कीजिए गूगल में जाके। तो ये जो रिसर्च किया ये मैंने किया, राइट, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। ये नंबर थ्री, और नंबर फोर पे है गाइस वो है एवरग्रीन टॉपिक, और ये सबसे अमेजिंग नीश है जिसमें आपको लॉट ऑफ ट्रैफिक, लॉट ऑफ ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए टॉपिक मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहां पर आपको अमेज़न का भी अर्निंग हो जाएगा। लेकिन इसको मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत ही डिटेल है। ओके
लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप 9 निशेज में डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इससे ज्यादा आपको 2500 से ज्यादा निशेज चाहिए तो आप हमारे सुप्रीम कैंपस के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर और भी डिटेल में लर्निंग है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हमने 2500 से ज्यादा ऐसे निशेज, उनको रिसर्च करने के टूल्स और कैसे एक ब्लॉग को क्रिएट करना है, उसका पूरा एक कंप्लीट प्रीमियम कोर्स है। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर आप बने रहिए अंत तक। अभी बात करते हैं नंबर 5 गाइस, ये गेम्स और गेमिंग एक्सेसरीज। अगर मैं Amazon की प्लेलिस्ट में जाके देखूं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक और आइडियाज मिलेंगे जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ गेम्स और एक्सेसरीज की बात करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी हो सकती है, या तो सिर्फ आप वीडियो गेम्स के बारे में, या फिर गेमिंग से रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज और इक्विपमेंट है, जैसे कि हेडफोन हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आप गेमिंग चेयर्स हो गया, ये उसकी एक्सेसरीज है, ऐसा कुछ कंटेंट आप फीड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां पर एक ब्लॉग है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन को फोकस्ड है, प्ले स्टेशन का जो गेम है और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके जो रिव्यूज होते हैं, ये पूरा का पूरा इस साइट पे डिटेल किया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे एग्जांपल्स है। अगर मैं इसके ट्रैफिक की बात करूं, ये जबरदस्त नीश है। अगर आप रियली में गेमिंग में इंटरेस्ट है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, तो आप कुछ ऐसा ब्लॉग चालू करें, यहां पर 1.76 अप्रॉक्स मिलियन में ट्रैफिक है एवरी मंथ। तो गेमिंग एक बहुत बड़ी कैटेगरी और बहुत पैसा बन सकता है। अगर आपका पैशन है गेमिंग में तो ब्लॉग भी गेमिंग में चालू कीजिए, आपको मनी ऑटोमेटिकली आएगा, राइट? और अगर आपने यूट्यूब चैनल का कॉम्बिनेशन इसके साथ क्रिएट किया है तो ट्रैफिक तो ऐसा ही आ जाएगा, राइट? तो इट इज ऑल अप टू यू, आप कैसे बनाना चाहते हैं। बट ये है कुछ आइडियाज कैसे आप वीडियो गेम्स पे कुछ एक ब्लॉग बना सकते हैं, और जिसमें अप टू कमीशन होता है 2% to 5% की रेंज में वेरी करता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट वाली जो कैटेगरी है वो आती है यहां पर लैपटॉप पीसी एंड गैजेट्स। अब ये 3 कैटेगरी है, या तो आप लैपटॉप पीसी के बारे में बनाए या फिर गैजेट्स के बारे में, और यहां पे आपको कमीशन 5% to 10% के बीच में मिल सकता है। तो यहां पर देखिए, जैसे कि आपका ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स और ईयरबड्स के बारे में हो, सिर्फ और सिर्फ आप हेडफोन्स के बारे में बात करें, वायर्ड हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, जैसे एग्जांपल के लिए पहले तो आप हाउ टू गाइड बनाएं, कैसे किसी हेडफोन को परचेज करना चाहिए, या फिर एक्टिव हेडफोन क्या होता है, पैसिव हेडफोन क्या होता है, हेडफोन में क्या चक है, ऐसे हाउ टू गाइड्स हो सकते हैं। या फिर जब आप घूमने के लिए जाए तो किस तरीके से आप हेडफोन जैसे इक्विपमेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके ब्लॉग के अंदर उसी ईयर टिप्स के बारे में, ईयरबड्स के बारे में, बहुत सारे ब्रांड के कंपैरिजन के बारे में, वायर्ड हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, इस तरीके से आप एक पूरा डिटेल ब्लॉग बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हेडफोन और ईयरबड्स के बारे में। सिमिलरली आपकी पीसी है अगर, तो आप पीसी के हाउ टू गाइड्स, कैसे उसके फैन नॉइज को रिड्यूस किया जाए, कैसे उसमें रैम को इंस्टॉल किया जाए, कैसे विंडोज सिस्टम के अंदर, जो टेक टिप्स का ही पार्ट है, राइट, विंडोज सिस्टम के अंदर कैसे एक वाईफाई का पासवर्ड निकाला जाए, तो ये जितनी भी चीजें आप हाउ टू गाइड में ऐड कीजिए। इसके बाद उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे उसका कीबोर्ड हो गया, उसका माउस हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसका रैम हो गया, उसका हार्ड ड्राइव हो गया, इन सबसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स Amazon पे, उसके भी रिव्यूज आपकी साइट पर डाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। सिमिलरली इसी कैटेगरी में एक आती है ऑफिस स्टेशनरी, और ऑफिस स्टेशनरी बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों को प्रिंटर्स बाय करने हैं, लोगों को पेपर्स बाय करने हैं A4 साइज के, लोगों को इंक बाय करना है, लोगों के पॉकेट के लिए वॉलेट्स बाय करना है, स्टेशनरी का मटेरियल बाय करना है, तो आपका पूरा ब्लॉग स्टेशनरी के अराउंड हो सकता है। कार्डबोर्ड होते हैं जो लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये सब आपका स्टेशनरी का पार्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर टेक रडार की बात करूं, तो यू नो कितनी बड़ी वेबसाइट है, राइट, ये वेबसाइट अलग अलग प्रोडक्ट में रिव्यूज करती है, राइट, तो आप यहां पर रिव्यूज में जाके, हाउ टू में करके, या फिर अलग अलग कैटेगरी में, इन्होंने मल्टीपल कैटेगरी को मिक्स कर रखा है, आप एज अ बिगिनर से पीसी को टारगेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड आउट, जैसे आप देख सकते हो कि ये न्यूज पब्लिश की गई है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप ये बता सकते हो कि जूम के अंदर कैसा वीडियो कॉल करना, ये भी आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, और इसके बाद जूम का जो भी एफिलिएट लिंक है उसको वहां पे पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप विंडोज के प्रोडक्ट का ओवरव्यू देके विंडोज OS जो कि Amazon पे भी बिकता है, उसके भी प्रोडक्ट का लिंकिंग आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये वो कैटेगरी है जहां पे आप काम कर सकते हैं, कॉल लैपटॉप पीसी एंड गैजेट्स। ओके, इसके बाद मैं नंबर 7 पे जाऊंगा गाइज, और ये है वैक्यूम क्लीनर। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आपके हिसाब से कौन यूज करता होगा, बट यूएसए यूके में झाड़ू नहीं होता, वैक्यूम क्लीनर्स होता है, और ये वैक्यूम क्लीनर हर एक कैटेगरी के लिए होते हैं। एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि कुछ कीवर्ड है बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर होम, अगर मैं गूगल में जाकर टाइप करूं यहां पर बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, ओके, फॉर पैट हेयर, फॉर कारपेट, फॉर होम, फॉर हार्ड फ्लोर्स, मतलब इतनी कैटेगरीज और हर चीज के लिए, इवन फॉर व्हीकल एज वेल, आप देख सकते हैं फॉर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर कार्पेट, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर पैट हेयर, बेस्ट कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, बेस्ट कॉर्ड वैक्यूम क्लीनर, तो ये इतनी कैटेगरीज है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप यहां पर एक ब्लॉग देख सकते हो जो है vacuumjudge.com, ये पूरा ब्लॉग वैक्यूम क्लीनर के अराउंड है। आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, यहां पर हर प्रोडक्ट का रिव्यूज है, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग ब्लॉग पोस्ट लिखे गए, तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, और ये सारे एग्जाम्पल्स आप
आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसको आप मैन्युअली जाके देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में चालू करना चाहें। लोग सिर्फ एक कैटेगरी को पुल करके उस पर पूरा दिमाग लगाते हैं ताकि मल्टीपल ट्रैफिक आए, मैक्सिमम अर्निंग हो। ओके, तो ये है एक नया कैटेगरी कॉल वैक्यूम क्लीनर, जरूर ट्राई कीजिए और इसको एचआरएप में जाके डाल के देखिए, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर आपको थाउजेंड्स में सर्चेस मिलेंगे। ओके, तो ये है इसका एक एडवांटेज नंबर 7 नंबर की इनिश। और इसके बाद है गाइस नंबर 8, वो है ड्राइविंग एक्सेसरीज। इसे यहां पर जब भी ड्राइविंग की बात होती है तो गाइस उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए सिर्फ ड्राइविंग एक्सेसरीज में हम कार सीट की बात करें, कार सीट कैसे होती है, जैसे कि कार सीट फोर अगर आप यहाँ पे टाइप करें बेबी और इतने कीवर्ड आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार सीट होती है जो कार के अंदर इंस्टॉल की जाती है। साथ ही साथ मूवेबल्स होती है कि इसको लेके भी घूम सकते हो, और यहाँ पे किसी बच्चे को गोद में नहीं रखना है अगर आप ट्रैवल करोगे तो उनके लिए अलग से सीट पे बिठाना और उनके लिए एक अलग से सीट अलग से परचेज करनी है, जिसको बोलते हैं कार सीट, जो उनकी सीट के साथ क्लब की जाती है और उसमें बच्चे को बिठाया जाता है। तो कार सीट अलग अलग कैटेगरीज में होती है, जैसे कुछ कीवर्ड है, बेस्ट ट्रैवल कार सीट फॉर बेबी, ट्रैवल कार सीट फॉर पेट, बेस्ट कन्वर्टेबल कार सीट्स और बेस्ट बूस्टर कार सीट, और ये कार सीट, ये ब्रांड का कार सीट, मतलब इतना बड़ा मार्केट है इसके अराउंड। अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख रहा हूँ, ये एक ब्लॉग है जो है ओनली ऑन ट्रैवल कार सीट फॉर मॉम, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ कार सीट के बारे में डिस्कस करता है, जहाँ पर अलग अलग तरीके से इस चीज को अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू कवर्ड किया गया। और यही नहीं, अगर आप डील्स में जाए, ई बुक में जाए, कार सीट के रिव्यूज में जाए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लॉग मिलेंगे जो अमेजोन के एग्जैक्टली प्रोडक्ट को यहाँ पे लिंक करते हैं। इसे मैंने नूना करके ट्राई किया, ये किसी और साइट पे मुझे सर्च करा, तो आप इस साइट का एग्जांपल लीजिए, राइट, जहां पर आपको 1 ईयर ओल्ड के लिए, 2 ईयर ओल्ड के लिए, 3 ईयर ओल्ड के लिए ऐसी कैटेगरी बना दी, बराबर, और उनके हिसाब से उनके जो प्रोडक्ट है उनकी लिंकिंग यहाँ पे मिडिल में कर दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मुझे एक साइट पे लेके जा रहा, हो सकता है उनका खुद का वेबसाइट है, इसके बजाय आप अमेजोन को लिंक कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से अगर आप बेबी कार सीट्स के बारे में या फिर नॉर्मल कार सीट्स और उसमें हर टाइप की कार सीट्स को इंक्लूड करें, चाहे वो पेट हो चाहे वो बेबी हो, तो ये ब्लॉग में भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सो दिस इज अनदर अमेजिंग नीच। अभी बात करते हैं गाइस नंबर 9 के नीच, फिर हम चलेंगे नंबर 4th पे। तो अभी तक आप बने हुए हैं, मतलब आपको रियली में ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए और कितना डिटेल चाहिए। और लास्ट वन है गाइस, वो है इको फ्रेंडली आइडियाज। हमने देखा है कि अभी पिछले दिनों में कुछ ट्रेंड चल रहा है जीरो वेस्ट को लेकर के, कि भाई वेस्ट नहीं करना है, प्लास्टिक मटेरियल को यूज नहीं करना है, तो उसको लेकर के कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जैसे बेस्ट इको फ्रेंडली लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बेस्ट इको फ्रेंडली मैट्रेस। आपको सिंपली यहां पे आना है, टाइप करना है बेस्ट इको फ्रेंडली, और यहां पे देखिए लॉन्ड्री, हाउस डिजाइन, कारपेट, टॉयलेट पेपर, डिओडोरेंट, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट है, राइट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आई थिंक यहाँ पे ऐड करना भूल गया, बट देयर इज अ वेबसाइट एज वेल जो सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में लिस्टिंग करती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, समथिंग सिमिलर आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग ट्रॉफिक है, इको फ्रेंडली को लेकर के आप गूगल ट्रेंड में डाल सकते हैं, ऑलवेज ग्राफ विल बी गोइंग अपवर्ड, और लोग ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सर्च करें, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी परचेज करें, जैसा हम ऑर्गेनिक का जुनून सवार है, राइट, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, सिमिलरली आप इको फ्रेंडली के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी बिल्ड इन कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग। तो ये है वो सारी 9 निशेज, और अभी हम बात करेंगे जो एवरग्रीन टॉपिक। और इसके लिए गाइस आपको कुछ ऐसा ब्लॉग बनाना है इसमें कीवर्ड बाइंग भी हो, साथ ही साथ वो कीवर्ड किसी एवरग्रीन टॉपिक को टारगेट करता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक ब्लॉग कॉल्ड theprepare.com, और इस ब्लॉग को आप, मैं बोलूंगा कि इस वीडियो के बाद जरूर एनालाइज कीजिएगा, ये मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला। इस ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कि जो भी एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं इसमें, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं है, पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, बट इतने एवरग्रीन टॉपिक को कवर किया है कि इसके साथ आप प्रॉपरली हाउ टू टाइप का प्रोडक्ट टाइप का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोर्टेबल गैस के कैंस, एग्जाम्पल के लिए कैसे हाउ टू क्लीन अ वाउंड, मतलब एग्जाम्पल के लिए हाउ टू यूज अ टॉनिक वाइन, मतलब ये क्या है एग्जैक्टली, जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी आती है या फिर कहीं आपको जाना होता है तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं। तो जब भी ऐसे प्रिपरेशन कहीं पे भी आपके माइंडसेट में आते हैं तो उससे रिलेटेड आप जो भी सर्च करते हैं, जैसे आपको ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो उसके लिए जो भी प्रिपेयर्ड आइटम्स होते हैं, जो भी एक्सेसरीज होती है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे कुछ किट्स होते हैं, मान लीजिए कि आप स्विमिंग के एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कुछ रिचार्जेबल बैटरीज है, जैसे बेस्ट रिचार्जेबल बैटरीज है, राइट, सिमिलरली अगर आपके लिए वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आप इस टाइप के टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक तरीके से मल्टी नीश है, इसमें थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगेगा, बट एवरग्रीन टॉपिक्स, और आप ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करते हैं जहां पे यूएस और यूके से ट्रैफिक आएगा, तो अमेज़न नहीं तो आपको ऐड का तो रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट होगा। तो ये वो सारी नीशेज है, मोर देन 9 नीशेज, और उससे ज्यादा नीशेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं जरूर सुप्रीम कैंपस के अंदर आए, उसको एनरोल कीजिए, आपको और आइडियाज मिलेंगे, और पूरे का पूरा ब्लॉगिंग क्रैश कोर्स को जरूर गो थ्रू कीजिएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको वो सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा ही वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट अमेज़न एफिलिएट की सीरीज में, जो इसी प्लेलिस्ट का पार्ट रहेंगे, तो मेक श्योर आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।